एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर एसए खान, सीनियर क्लिनिकल न्यूरोफिजियो कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है ब्लड प्रेशर। आप जानते हैं भली भांति कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन हम ब्लड प्रेशर की भी जो कैटेगरी है, एक तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है और एक ब्लड प्रेशर का कम होना। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर का कम होने पर क्या क्या रिस्क मरीज के सामने या एक इंसान के सामने आ सकते हैं। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में शरीर के अंगों में सही तरह से खून की सप्लाई नहीं हो पाती। जब खून की सप्लाई नहीं हो पाती तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो लोग जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो इसे हल्के में ना लें, बल्कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से ये कोशिश करें कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत क्यों रहती है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि लो ब्लड प्रेशर से आखिर क्या परेशानियां या क्या बीमारियां उनके सामने आ सकती हैं। तो दोस्तों, मुख्य जो बीमारी है जिससे इंसान की ज़िंदगी या मैं कहूँ कि रोज़मर्रा के कार्य पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, वो दूसरे उसकी ज़िंदगी दूसरे पर मुनहसर हो जाती है, तो उसमें जो मुख्य बीमारी है वो है फालिस। लो ब्लड प्रेशर की वजह से आम तौर पर नसों में ब्लॉकेज आ जाता है। नस में अगर ब्लॉकेज आता है और वो दिमाग की नस है, तो मरीज़ को फालिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक। अगर हार्ट की किसी भी नस में, किसी भी खून ले जाने वाली नस में या खून लाने वाली नस में ब्लॉकेज आ जाए, तो मरीज़ को हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। यहाँ तक भी लो ब्लड प्रेशर की वजह से जब ब्लड की सप्लाई शरीर के अंगों में कम पहुँचती है, तो किडनी फेलियर होने तक की भी संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर किडनी फेलियर होती है तब भी ज़िंदगी जोखिम में पड़ जाती है। तो बेहतर है कि अगर किसी भी मरीज़ को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो वक्त रहते हुए इसका समाधान ढूंढे और इस परेशानी से निजात पाए। दूसरा ये कि आम जिंदगी में अगर नॉर्मली बीपी कम हो जाए, तो पेशेंट्स को बेहोशी हो सकती है, और जब पेशेंट्स को बेहोशी होती है तो उसके साथ नई नई बीमारियां जुड़ सकती हैं। अचानक वो गिर गया, उसे सिर की चोट आ सकती है। तो दोस्तों, ये तो था ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाए तो उसमें किन किन बीमारियों के आने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह क्या क्या होती हैं। इससे पहले कि हम वजह के ऊपर चर्चा करें, मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर उनको पसंद आती है तो उसे लाइक करें और अपनों के बीच में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं कि ब्लड प्रेशर की कमी या लो ब्लड प्रेशर किस कमी की वजह से होता है।